राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज यूपी के वाराणसी में वनवासी समागम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि वनवासी, आदिवासी और दलितों का विकास किए बिना राष्ट्र की प्रगति पूरी नहीं हो सकती। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनवासियों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। मुस्लिम स्कॉलर वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वसीम रिजवी का मानना है कि इन आयतों के कारण ही मुस्लिम समाज में अन्य कौमों के प्रति नफरत और आतंक की भावना पैदा होती है। इस याचिका पर वसीम रिजवी का सिर कलम करने के लिए कट्टरवादियों द्वारा फतवे जारी होने लगे हैं। खुद वसीम रिजवी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा करते हुए हिंदुस्तानियों से मदद का आह्वान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, हालांकि नागरिक इसे लेकर बेहद लापरवाह दिख रहे हैं। इसे देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर जनता ध्यान नहीं देगी तो मजबूरन राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वाजे को आज एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे का नाम मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो में विस्फोटक बरामद होने के मामले में संदेह के घेरे में है। केस में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के बाद यह मामला बेहद संगीन हो गया है। फिलहाल एटीएस की जांच चल रही है, फिर भी टेरर मामला होने के कारण जांच एनआईए को सौंपी गई थी। जोमैटो बॉय कामराज ने फीमेल कस्टमर के साथ मारपीट को गलत बताते हुए न्याय की मांग की है। कामराज के अनुसार डिलीवरी लेट होने के कारण युवती ने उसे अपशब्द कहे और शिकायत की धमकी दी, जिसके बाद वो ऐसा नहीं करने की विनती करने लगा। तभी युवती ने इसे चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। कामराज की माने तो बचाव के दौरान अंगूठी से युवती के नाक पर चोट लग गई। इस मामले में कामराज को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर जमकर अभियान चल रहा है। नई मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। आज 216 नए मरीजों का पता चला है, जबकि 2 लोगों के मरने की खबर मिली है। नई मुंबई में अब तक 57,161 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 1,135 लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन भी तेज हो गया है। मनपा से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को 2682 लोगों को पहली डोज, जबकि 639 नागरिकों को कोरोना की दूसरी डोज दी गई। आज तक कुल 46,747 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण का आखिरी चरण चल रहा है। इसमें नंबर 1 बनने के लिए नई मुंबई मनपा ने 21 दिनों के चैलेंज में हिस्सा लिया। इसमें नागरिकों, अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इनके सम्मान के लिए मनपा द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें मनपा के ब्रांड एम्बेसडर गायक शंकर महादेवन समेत कई कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। इस दौरान केंद्र सरकार के सचिव ने नई मुंबई मनपा के प्रयासों की सराहना की। वहीं आयुक्त अभिजीत बांगर ने स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बनने का विश्वास जताया। बीजेपी के युवा नेता पूर्व विधायक संदीप नाइक कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। संदीप नाइक ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए आगाह किया है कि जो लोग उनसे मिले हैं वे अपनी जांच कराएं और जरूरी सावधानियां भी बरतें। फिलहाल संदीप नाइक होम क्वारंटाइन में हैं। महाराष्ट्र सरकार के बजट में प्रकल्पग्रस्तों की उपेक्षा पर नई मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। दशरथ भगत ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि मीठी नदी के पुनर्जीवन के लिए यदि सैकड़ों करोड़ का बजट घोषित हो सकता है तो उससे डूबने वालों के लिए बजट क्यों नहीं। उन्होंने सभी विकास परियोजनाओं का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की मांग की है। उन्होंने डिप्टी सीएम अजीत पवार से भी बजट में प्रकल्पग्रस्तों के लिए नए प्रोविजन की अपील की। नई मुंबई से सटे पनवेल में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने ऐसा निर्णय लिया है। कोरोना नियंत्रण के साथ कोविड वैक्सीनेशन भी यहां तेज हो गया है। उन्होंने नागरिकों से निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।